वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, वाटर ओ वाटर, पार्ट 1। अब हम वाटर की पोयम देखेंगे। डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रीशियस, वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रीशियस। तो वाटर का हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वाटर, वाटर क्या है? वाटर ही लाइफ है, वाटर ही जीवन है। वाटर इज अ प्रीशियस, यानी वाटर अनमोल है। टिप 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 ओ द वाटर फॉल्स, ओवरफ्लोइंग द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो जब वाटर गिरता है, फॉल्स होता है, तो कैसे हो जाती है? टिप 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 आ जाती है। और जब ज्यादा बारिश होती है, तो वाटर गिरता है, तब क्या होता है? ओवरफ्लोइंग द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, वो सब क्या हो जाते हैं? ओवरफ्लो हो जाती है। तो वहां भी क्या हुआ? वाटर के थ्रू ही वो ओवरफ्लो हो गए। वेव्स ऑफ ओशन गैलोप लाइक अ हॉर्स, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रीशियस। द वेव्स ऑफ द ओशन गैलोप लाइक द हॉर्स, डोंट वेस्ट वाटर, एंड वाटर इज अ प्रीशियस। तो फिर से जो बात आई, वेव्स ऑफ द ओशन, यानी ओशन में कैसे वेव्स आते हैं? तो क्या होता है? गैलोप लाइक अ हॉर्स। तो फिर से डोंट वेस्ट वाटर। तो वाटर का हमें क्या करना चाहिए? वेस्ट करना नहीं चाहिए, कि वाटर प्रीशियस है, अनमोल है। टेकिंग फ्रॉम ऑफ आइसबर्ग्स ऑन हिल टॉप्स, बॉइल इट, हीट इट, टर्न्स इनटू वेपर। तो हिल टॉप पे क्या टेकिंग होता है? जब आइसबर्ग्स जो हमको हिल टॉप पे मिलते हैं, एंड वो क्या होता है? बॉइल होते हैं, हीट होते हैं। तो उसको किसमें चेंजेस होता है? टर्न्स इनटू द वेपर। कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वॉटर इज लाइफ, वॉटर इज प्रीशियस। तो सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ द स्प्रिंग, वॉटर इज द लाइफ एंड वॉटर इज प्रीशियस। गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, रनिंग इन ह्यूमन बॉडीज, नॉरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, वॉटर इज लाइफ, वॉटर इज प्रीशियस। तो क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज को क्या कहते हैं? लाइफ देते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी रनिंग इन द ह्यूमन बॉडी एंड नॉरिशिंग द एनिमल्स एंड बर्ड्स। ड्यूरिंग ड्रॉट देर इज स्ट्रेस, लाइफ सीम्स टू बी इन पेन। ड्यूरिंग फ्लड्स देर इज स्ट्रेस एंड फ्राइट, अ वेल टैप एंड हैंड पंप फिल्ड विथ वॉटर, वॉटर इज लाइफ, वॉटर इज प्रीशियस। तो जब ड्यूरिंग द क्या होता है? फ्लड आता है, तो क्या होता है? देर इज द थ्रेट एंड फ्राइट एंड ए वेल टैप एंड हैंड पंप फिल्ड द वॉटर। तो सब पता ही है कैसे वॉटर फिलअप होता है। वॉटर इज लाइफ, वॉटर इज प्रीशियस। तो वॉटर है तो ही जीवन है, लाइफ है। तो वॉटर क्या है? प्रीशियस है, अनमोल है। तो ये पूरी पोयम हो गई। डू यू नो एनी पोयम और सॉन्ग ऑन वॉटर? रिसाइट इट इन क्लास। तो आप कोई भी पोयम और सॉन्ग वॉटर के बारे में आप जानते हो, तो आपको आपके क्लास में वो सिंग करना है, गाना है। वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑफ वॉटर मेंशन इन द पोयम? तो इस पोयम में वॉटर के क्या डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट है? तो काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट है, वो सबने हमने देख ही लिया कि वाटर होता है तो क्या होता है। वाटर का हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, कि वाटर है तो ही लाइफ है, तो वाटर प्रीशियस है। तो कैसे बारिश गिरती है? जब वाटर फॉल्स होता है तो कैसे आवाज आती है? टिप 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 जैसे आवाज आती है। तो क्या ओवरफ्लो हो जाते हैं? रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, वो सब ओवरफ्लो हो जाते हैं। और काफी सारी चीजें हैं, क्रॉस, प्लांट एंड ट्रीज को भी गिविंग लाइफ देते हैं। तो काफी सारी चीजें हमने पोयम के थ्रू देखी ली है। थिंक एंड राइट, टिक द एक्टिविटीज
फॉर विच वॉटर इज नीडेड। तो ये इधर नीचे जो सब एक्टिविटी दी है इसमें वॉटर की जरूरत कहां कहां पे होती है इसमें आपको टिक करना है। ओके, टू प्ले, टू सिंग, टू रो अ बोट, तो किसमें होती है? टू रो अ बोट में होगी। ओके, सेकंड, टू राइट, टू मेक टी, टू नीट डग, तो किसमें होगी? चाय बनाने भी किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होगी। तो क्या आएगा? टू मेक ट्री, तो किसमें टिक करेंगे? टू मेक टी में हम टिक करेंगे। टू रन अ फैन, टू पेंट पिक्चर, टू ग्रो प्लांट्स, तो किसमें आएगा? वाटर इज नीडेड टू ग्रो प्लांट्स, तो टू ग्रो प्लांट्स के बॉक्स में हम टिक करेंगे। ओके, थिंक एंड राइट, व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर, तो विदाउट वाटर आप क्या क्या कर सकते हैं वो इधर हमको लिखना है। तो क्या कर सकते हैं? स्पीकिंग आप बोल सकते हैं, वॉकिंग चल सकते हैं, रीडिंग रीडिंग भी कर सकते हैं, प्लेइंग आप खेल भी सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे, व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, तो विदाउट वाटर से आप क्या क्या नहीं कर सकते। ओके, तो क्या आएगा? ईटिंग फूड, उसके बाद वॉशिंग यूटेंसिल्स, उसके बाद क्या है? बाथिंग, उसके बाद क्या है? वॉशिंग क्लोथ, तो आप ईटिंग फूड भी नहीं कर सकते, वॉशिंग यूटेंसिल्स भी आप धो भी नहीं सकते, बाथिंग भी नहीं कर सकते एंड वॉशिंग क्लोथ, तो आप अपने कपड़े भी क्लोथ भी नहीं वॉश कर सकते। अब हम देखेंगे वाटर मोर और लेस, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिक ऑफ द अमाउंट ऑफ वॉटर दैट इज नीडेड फ्रॉम ईच ऑफ द एक्टिविटीज, बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वॉटर। तो यहाँ पे आपको नीचे दिए गए जो भी एक्टिविटीज है वो आपको ऐसे अरेंजमेंट करना है कि जिसमें वॉटर की ज्यादा जरूरत होगी वो हमको एक्टिविटी पहले लिखने का है, और जिसकी वॉटर की जो भी एक्टिविटी वॉटर की जरूरत तो होगी पर बेसिक ऑफ द अमाउंट होगी उसमें थोड़ा कम होगी, तो बेसिक अमाउंट में होगी वो उसके बाद में लिखना है। तो अब हम एक के बाद एक देखेंगे, पहले दिया है टू बाथ, उसके बाद दिया है टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, उसके बाद टू वॉटर द फील्ड्स, बट टू नीड द डग, उसके बाद टू कुक द फूड। तो यहाँ पे इसमें से पहले ज्यादा से ज्यादा मोस्ट वॉटर की जरूरत किसमें होगी? तो पहले हम क्या लिखेंगे? टू वॉटर फील्ड्स, टू वॉटर फील्ड्स में हमको ज्यादा वॉटर की जरूरत होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा? टू क्लीन द हाउस, तो वो सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा? टू बाथ। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? टू नीड द डग, वो फोर्थ नंबर पे आएगा। उसके बाद फाइव नंबर पे क्या आएगा? टू कुक द फूड। उसके बाद लास्ट में टू ड्रिंक। तो पहले हमने जो देखा
वो उसमें वाटर की जरूरत ज्यादा थी। और इसके बाद जो लास्ट में हमने जो लिखा ऐसे ऐसे करके बेसिक अमाउंट ऑफ वाटर की नीडेड क्या हुआ भाई, बेसिक अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत थी वो हमने एकदम लास्ट में लिखा। Water from where? In the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? तो water हमको कहां से मिलता है? Put around those place that are either in your house or around it. तो आपको इधर जो भी दिया गया है उसमें आपको किसके ऊपर राउंड करना है कि जो आपके घर के पास और अराउंड है तो उसके वहां से आपको पानी मिलता है तो उसमें से आपको क्या करना है, राउंड करना है। तो पहले क्या इसमें किसमें करेंगे, वेल में हम राउंड करेंगे, उसके बाद किसमें करेंगे, हैंड पंप में हम राउंड करेंगे क्योंकि हैंड पंप भी हमारे घर के हाउस के पास ही होगा, हमारे अराउंड ही होगा तो इसके ऊपर हम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद किसमें करेंगे, टैप में करेंगे। ओके, वेयर किसमें करेंगे, टैंक यानी टंका, हमारे घर का टंका होता है वो भी हमारे पास ही होता है तो वहां से भी हमको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। ओके, तो वेल, हैंड पंप, टैप एंड टैंक में हम राउंड करेंगे। ओके, थिंक एंड राइट। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? तो इसमें आंसर में क्या आएगा, यस, इन मणिकर्णिका घाट। तो मणिकर्णिका घाट में हमको ग्राउंड में से हॉट वाटर मिलता है, पता है ना। उसके बाद देखेंगे, डस एनी रिवर्स फ्लो अक्रॉस योर विलेज और सिटी, इफ यस राइट इट्स नेम। तो उसके आंसर में क्या आएगा, द रिवर यमुना पासिस थ्रू माय सिटी। तो हमारे सिटी में से कौन सी रिवर नदियां पास हो रही है, या तो यमुना। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स। तो आप रिवर के बारे में आप जानते हो तो उसका आपको नाम लिखना है। Name of some rivers are as follows. पहले हम क्या लिखेंगे, यमुना। उसके बाद क्या लिखेंगे, गंगा। उसके बाद गोदावरी। उसके बाद चेनब। उसके बाद क्या है लास्ट में, महानदी। तो ये सब डिफरेंट नेम है रिवर्स के। ओके, थिंक एंड टेल। तो फर्स्ट हम देखते हैं, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। तो हमारे घर में वाटर कहां से आता है, तो एट होम्स वाटर कम्स फ्रॉम पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के थ्रू ही हमारे घर में पानी आता है। उसके बाद देखेंगे, वेयर डू यू गो टू फेच वाटर। तो हमारे हमको कहीं पे पानी लेके ले जाना पड़ता है तो क्या आएगा, वाटर कम्स टू माय होम थ्रू पाइपलाइन। तो वाटर हमारे घर पे ही आता है, किसके थ्रू आता है,
पाइपलाइन के दू, सब सिंपल है। उसके बाद देखेंगे हाउ मच टाइम डस इट टेक टू ब्रिंग द वॉटर। उसके क्या आएगा, वॉटर इज सप्लाई टू होम, तो वॉटर का सप्लाई हमारे घर पे ही है। उसके बाद वाई डू वी नीड टू स्टोर वॉटर, तो वॉटर इज स्टोर सो दैट इट कैन बी यूज व्हेन वॉटर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। तो वॉटर का स्टोर हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनका हम यूज करते हैं, क्योंकि वह वॉटर सप्लाई अवेलेबल जहां नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ेगा, वॉटर का स्टोर ही करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे हु फैचिस एंड स्टोर वॉटर इन योर हाउस, तो आपके होम में आपके घर में वॉटर का स्टोर कौन करते हैं, पेरेंट्स, सिंपल है। डू यू एंड योर नेबर ब्रिंग वॉटर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस, व्हाई? यस, द होल कॉलोनी गेट वॉटर सप्लाई फ्रॉम द जल बॉल पाइपलाइन। तो हमारी जो होल कॉलोनी होती है तो वॉटर सप्लाई कहाँ पे है, जल बॉल पाइपलाइन में है। तो ये सब चीजें, वॉटर कहाँ कहाँ से आता है, कौन वॉटर को स्टोर करता है, कैसे स्टोर किया जाता है, किसके थ्रू वाटर आता है, तो वो सब हमने देख लिया। फिल द कलर, कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वॉटर। तो आप वॉटर को किस में स्टोर करते हो, तो उस कंटेनर में आपको क्या करना है, पिक्चर में आपको कलर करना है। तो ये सब डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पे दिए ही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग पिक्चर दिए ही है। ओके, अब जिसमें आप क्या वाटर फिलअप करते हो उसके आपको अंदर कलर करना है। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स which are used for storing water in your house, write their names as well। तो आप घर के अंदर आप जिसमें भी वॉटर स्टोर कर रहे हो तो उस कंटेनर का आपको क्या करना है, पिक्चर नोटबुक में ड्रॉ करना है, उसके नाम भी लिखना है। टेक अ लुक एट द पिक्चर इफ वी फिल द विथ वॉटर। तो ऊपर हम सब पिक्चर देखे तो उसमें से किसमें पानी फिलअप होता है वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट देखेंगे विच विल कंटेन द लीस्ट वॉटर, तो उसमें से किसमें कंटेन में लीस्ट वॉटर पानी फिलअप होता है, तो क्या आता है, TUMBLER, टम्बलर। ओके, तो टम्बलर का साइज छोटा है इसलिए इसमें कम ही पानी फिलअप होगा। सेकंड, विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, सबसे ज्यादा पानी किसमें आपको फिलअप करता है, ना क्या आएगा, बकेट, जो बकेट होती है उसमें सबसे ज्यादा पानी फिलअप होता है। थर्ड देखेंगे इन विच कंटेनर सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी फिल, तो कौन सा कंटेनर इसमें हम सेम अमाउंट ऑफ वॉटर उसमें फिलअप कर सकते हैं, तो क्या आएगा, पॉट, पॉट के अंदर हम सेम अमाउंट में वॉटर फिलअप कर सकते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।